अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ टमाटर की सिंपल चटनी। बिल्कुल सिंपल चटनी है ये, झटपट 10 मिनट में बन जाती है। इसके लिए मैं 1 किलो टमाटर ली, इसको बारीक कट कर ली, एक भगोना रखी, उसमें डाली 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। अब 1 टीस्पून भर के ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरे को ब्राउन होने देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े से करियापाक और ड्राई रेड चिली। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को ब्राउन होने देंगे। अदरक लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया, इसका कच्चापन जा गया। अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्ची डालेंगे और कुछ सेकंड तक ही पकाएंगे, और इसके बाद टमाटर डाल देंगे। अब इसको 10-15 मिनट तक इसको कवर करके तेज़ से पकाएंगे। 10 मिनट तक मैं इसको तेज़ फ्लेम पर रखी, 10 मिनट हो गए। अब माशाल्लाह टमाटर हमारे अच्छे से गल गए। अब इसको भून लेंगे, टमाटरों को साबित न रहना। अच्छा सा मैं टमाटरों को भून ली। अब इसमें डालेंगे 1 बंच कोथमीर डालना, अच्छा इसका टेस्ट फ्लेवर अच्छा आता कोथमीर से, और 2-3 मिर्चों को स्लिट करके डालेंगे और फ्लेम को धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा करके दम पे रखेंगे, कोथमीर का अच्छा फ्लेवर इसमें आता। 5 से 7 मिनट के लिए, मिनट में धीमे पे रखी थी, 5-7 मिनट हो गए। माशाल्लाह हमारी चटनी ज़बरदस्त बनी। और फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत आसानी के साथ बनने वाली है, और इसको आप वाइट राइस के साथ, घी के साथ सर्व कर सकते, और खिचड़ी के साथ भी झटपट। दूसरे चूल्हे पे खिचड़ी, एक चूल्हे पे टमाटर की चटनी। झटपट बनने वाली रेसिपी है, सिर्फ 1/2 घंटे के अंदर आपकी चटनी। और आप खिचड़ी बनाना चाह रहे हैं या वाइट राइस बनाना चाह रहे हैं या रोटी के साथ सर्व करना चाह रहे हैं, तो झटपट बनने वाली। चलिए टमाटर की सिंपल चटनी मेरी की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।